हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ स्वाति। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चलती हूँ कुरुक्षेत्र का स्कॉन टेम्पल। सो प्यार से बोलिए राधे राधे। गाइस, मैं आपको मिलवाती हूँ अपने ठाकुर जी से जो पीछे बैठे हैं। ये भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र के स्कॉन टेम्पल जा रहे हैं। सो देखिए, यहाँ आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है। ये कौन सा एरिया है? अच्छा, ये ब्रह्म सरोवर का बाईपास है। गाइस, हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल। लेके चलो, वेट कर रहे हैं। आज बोलिए। हरे कृष्णा। हरे चरण दास है जी। तो मंदिर से तो 5 साल से शुरू हुआ है जी प्रभु जी, और लॉकडाउन के वजह से थोड़ा लेट हुआ है, नहीं तो ऐसे तो प्लानिंग है 2 साल का अंदर जी बनने के लिए जी, लेकिन लॉकडाउन के अंदर थोड़ा अभी दान रखना जैसे आता है तो हिसाब से जी जी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ना। हाँ जी, और मंदिर सुबह 4:30 बजे हमारा मंगल आरती होता है जी, उसके बाद 7:15 में दर्शन आरती जी, उसके बाद 7:30 बजे गुरु पूजा, उसके बाद 12 बजे हमारा जो राजभोग आरती। अच्छा, राजभोग आरती। तो शाम को संध्या आरती। अच्छा, शाम को। शाम को संध्या आरती प्रभु जी कितने बजे होती है? 7 बजे। अच्छा, 7:20 हो जाती है और 8:30 बजे रात में। प्रभु जी, ये कब तक बन पाएगा पूरा मंदिर?
वही तो 2 साल का अंदर प्लानिंग है। अच्छा 2 साल के लॉकडाउन के वजह से, क्योंकि वो तो मंदिर जो बनता है वो आप लोग का पैसा से, आप लोग जी जी सहयोग से ही बनेगा। हाँ, तो वैसे ये कभी स्टार्ट हुआ था बनने? 5 साल हो गया। 5 साल इसे हो गए। थैंक यू। गाइज अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर के लिए, हमें मंदिर के दर्शन हो गए हैं। बहुत सुंदर मंदिर है और अभी बन रहा है। 2 साल का टारगेट बताया है कि 2 साल में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गाइज हम लोग जब मंदिर में एंटर हुए तो पूरे मंदिर में कोई था ही नहीं, पूरा मंदिर खाली, इतना अच्छे से दर्शन हुए। सो गाइज अब हम घर जा रहे हैं, मैं आपसे घर जाके बात करती हूँ। ओके बाय बाय।